वैसे तो लड़ाई झगड़ा युद्ध ये सब विनाश करने वाले होते हैं, लेकिन देपालपुर के गौतमपुरा में धोक पड़वा के दिन होने वाला हिंगोट युद्ध प्रेम प्यार और परंपरा निर्वहन का प्रतीक है। ये युद्ध प्राचीन और परंपरागत है। इसमें योद्धा कड़ी मेहनत और स्वयं के खर्च से हिंगोट तैयार करके अपनी परंपरा चला रहे हैं। इस युद्ध में रूंजी और गौतमपुरा के दोनों दल तुर्रा और कलंगी आमने सामने होते हैं। सर पर साफा, कांधे पर हिंगोट का झोला, हाथ में ढाल लेकर योद्धा ढोल धमाकों के साथ हिंड गाते हुए भगवान देवनारायण के दर्शन करने के बाद युद्ध मैदान में पहुंचते हैं। वहीं शाम होते ही ये पूरा प्रोग्राम शुरू होता है। वहीं रोमांचकारी हिंगोट युद्ध जिसे देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। कुछ योद्धाओं को चोट भी लगती है, कपड़े भी जलते हैं, लेकिन मैदान से बाहर आकर सब एक दूसरे को गले लगते और शुभकामनाएं देते हुए इस वर्ष भी नगर पंचायत व प्रशासन भी मैदान की साफ सफाई, दर्शकों की सुरक्षा के लिए जाली बैरिकेड आदि तैयार किए गए हैं। हमारे माता पिता जी कहते कहते भी रह गए कि ये तो परंपरा है, वो परंपरा उनके साथ और हमारे को ये छोड़ के चले गए। फल जंगल में उगते हैं, जंगल में होता है, इसका जंगल से तोड़ के लाते हैं, फिर इसको साफ छिलते हैं, छिलने के बाद पीछे छेद करते हैं बड़ा, उसके बाद में पीछे से घर निकालते हैं, उसके बाद फिर एक बारीक छेद करते हैं, उसके बाद छेद के बाद में इसमें दारू बारूद भर के 5-5 7-7 बार ठोकते हैं इसको अंदर दारू बारूद।